नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज हलवाई। राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है अंगूरी रसमलाई। ये देखिए, रबड़ी के साथ अंगूरी रसमलाई कितनी सॉफ्ट और टेस्टी बन के तैयार होती है। ऊपर से हम ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं तो बहुत टेस्टी बन जाती है। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाही लिया है, मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है और इसमें हमने 2 कप दूध ऐड करना है, यानी हम 500 ml दूध ऐड करेंगे। 2 कप दूध हमारा 500 ml हो गया, या हाफ लीटर कह सकते हो। तो इसको हम गर्म करेंगे। ये काऊ मिल्क है, ये देखिए इस तरह उबाला आ जाता है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद इसकी गर्म भाप इस तरह हम निकाल देते हैं, इस तरह करके इसे हिलाएंगे, इसका गर्म भाप निकाल देंगे। उसके बाद हम फाड़ने की तैयारी करते हैं। इसको दूध को गर्म ही फाड़ा जाता है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा लिया है विनेगर, या आप पनीर मसाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने 10 ml तक विनेगर ऐड किया है और हमने 100-150 ml पानी बीच में मिक्स करके इस कप में, और थोड़ा थोड़ा हम दूध में डालते जाएंगे। जैसे जैसे हम डालते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा दूध फटना शुरू हो जाता है। ये देखिए, थोड़ी देर में ये बिल्कुल फट जाता है। ये देखिए, जो हमारा विनेगर बच जाता है वो वापस वहीं रख लेते हैं, जिस बोतल में हम रखते हैं वो वापस रख लेते हैं। यहाँ हमने पनीर फाड़ के छोड़ दिया है। ये देखिए, इसको हमने 5-7 मिनट छोड़ने के बाद इस तरह पनीर सेट हो जाता है कि अगर हम निचोड़ते हैं तो हाथों से ये पानी बिल्कुल निकल जाता है। अब हम इसको छान लेंगे। 5-7 मिनट इसको छोड़ना होता है तब हमारा पनीर सेट होता है। उसके बाद इस तरह छाननी लगाकर नीचे डोंगा रख के ऊपर मलमल का कपड़ा रख के छान लेंगे। तो इस तरह छानने के बाद थोड़ा सा साफ पानी हम और ऐड कर देते हैं कढ़ाई धोकर। ये देखिए, यहाँ हमने कढ़ाई धोकर ऊपर से साफ पानी ऐड कर देते हैं, जिससे पनीर का जो खट्टा पानी होता है, या छेने का समझिए, तो इस तरह खट्टा पानी जो होता है पनीर में से निकल जाता है। ये देखिए, इस तरह हम निचोड़ लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट पनीर बनाना होता है, इस तरह पानी हम सारा निकाल लेते हैं। उसके बाद में एंड में जो गाढ़ा पानी बचता है, ये देखिए, इस तरह थोड़ा सा हम कप में रख लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, पनीर हमने बिल्कुल निचोड़ के और इस तरह हमने थाल में ऐड कर दिया है। प्लेट है हमारा, इसमें अच्छी तरह हम इसको मैश कर देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह मैश करके तैयार कर लेते हैं। ये बिल्कुल प्लेन पनीर और सॉफ्ट बन जाता है, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हमने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है। इस पतीले में हमने 1 कप पानी ऐड किया है और 2 कप हमने इसमें शुगर ऐड किया है। पानी हमारा 250 ml है और शुगर हमारा 500 ग्राम है। तो इस तरह हम चाशनी बनाएंगे। शुगर के आधा हमने पानी ऐड किया है, पानी हमारा 250 ml है और शुगर हमारा 500 ग्राम। तो चाशनी हमारी बन रही है। दूसरी गैस पे हमने एक पैन रखा है, लो मीडियम फ्लेम पे हमने गैस ऑन किया है। इस पैन में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस इसमें 20-30 ml पानी ऐड करेंगे कि दूध हमारा इसमें चिपके ना। पानी जब उबाला जाता है तो इसमें हमने 500 ml दूध और ऐड कर दिया, मतलब हाफ लीटर हमने ऐड किया है। और इसकी हम रबड़ी बनाएंगे जो रसमलाई के लिए होती है। इसमें 2 चम्मच इसमें शुगर ऐड कर देंगे, ज़्यादा मीठा नहीं करना होता है, और थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। अब इस दूध को हम उबाला दे देंगे पहले। जब ये दूध हमारा उबल जाता है तो फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम पे कर देते हैं और थोड़ी देर तक इसको पकने देते हैं। ये देखिए, ये उबाला आ गया, अब इसको हम पकने देते हैं लो मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद में ये देखिए, ये हमारी चाशनी जो है कंप्लीट हो रही है। अब ये भी उबाला आ गया है, चाशनी हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है। ये देखिए, ये उबल चुकी है। यहाँ हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये देखिए, पनीर हमारा बिल्कुल ठंडा भी हो चुका है। इस तरह थोड़ा सा ले लेंगे और पतला सा रोल बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसमें कोई सोडा बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना है, ना ही कोई कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। बस ऐसे गोली हमने कर देना है, छोटा सा पतला सा रोल बना लेंगे और इस तरह छोटे छोटे पीस में हम पेड़िया तोड़ लेंगे। उसके बाद इस तरह हम गोली बना लेंगे, पूरी राउंड से हम गोली बना लेंगे। जितने छोटे पीस आप अंगूरी रसमलाई के रखोगे उतने ही बेस्ट बनते हैं। तो जितनी छोटी आप तोड़ सकें उतनी छोटी आप बना लीजिए। ये देखिए, इस तरह हम बनाते जाएंगे और इस तरह हम गोलियां भी बनाते जाएंगे। ये देखिए, पूरा राउंड देके गोली करना होता है। ये बिल्कुल फूल फूल के बड़ी साइज बन जाती है। तो इस तरह हम गोली बना लेंगे। ये 5-6 पेड़ियाँ हमने कट किया था, इस तरह हम गोली बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो ये 6 पीस हमने बना के तैयार किया है। इसी तरह हम सारा बना के तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ देखिए हमने सारा बना के तैयार कर लिया है। अब हम चाशनी की ओर चलते हैं। यहाँ हमने गैस का फ्लेम मीडियम से चला दिया है, चाशनी उबल रही है। अब सभी गोलियाँ हमने ऐड कर दिया। यहाँ हम रीठे का पानी ऐड करेंगे। ये देखिए दो तीन रीठे हमने तोड़ के भिगोया है और गर्म पानी में उबाल कर इसका पानी ऐड करना होता है, जिससे हमारे चाशनी में झाग बनने लगता है। ये देखिए झाग भी बन रहा है और ये उबल भी रहा है। अब हमारी गोलियाँ अच्छी तरह फूल रही हैं। ये देखिए ये झाग से फूलता है, झाग ऊपर से कवर भी कर लेता है। और यहाँ देखिए ये कप में हमने थोड़ा सा पनीर का पानी रखा था, वो भी ऐड कर दिए, इससे भी झाग बन जाता है। तो इस तरह हम इसको रसगुल्ले को पकाएंगे। ये देखिए गाय के दूध में कोई सोडा, बेकिंग पाउडर या कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैसे पक जाता है। ये देखिए यहाँ हमने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था, अब ये रसगुल्ले हमारे बिल्कुल पक गए हैं। ये देखिए जिस चाशनी में उबलती रहती है ये पकते पकते गाढ़ी हो जाती है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाते हैं, जिससे चाशनी पतली जब होती है तब रसगुल्ले में भर जाती है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड में लगा देंगे और रसगुल्ले हमारे थोड़े नीचे डूबते जाते हैं। यहाँ टेस्ट के लिए हम रूह केवड़ा लगा देंगे या कोई आप गुलाब सेंस लगा सकते हो। उसके बाद में एक बाउल में हमने ठंडा पानी लिया है, उसी में हम इस रसगुल्ले को निकाल देते हैं। ये स्पंजी होते हैं अंगूरी रसमलाई, तो ये स्पंजी है, इसमें कोई मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर या कॉर्नफ्लोर हमने बिल्कुल नहीं ऐड किया है। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब दूसरे गैस चूल्हे पे हम देखते हैं हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। ये देखिए धीरे धीरे पक के ये गाढ़ी सी हो गई है, मतलब हमारा 500 ml दूध था ये बिल्कुल हाफ हो गया है, 250 ml तक हमारा गाढ़ा होके बचा है। इसमें हमने केसरिये कलर और थोड़ा सा हमने केसर ऐड करके केसरिये कलर का बना लिया है और इस तरह ये मिक्स कर देंगे। ये ज़्यादा दूध गाढ़ा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये हाफ हो जाए, जितना दूध आप लेते हैं उसका हाफ हो जाए, बस हमारी रबड़ी तैयार होती है। ये देखिए अगर आप ज़्यादा गाढ़ा करोगे तो रसगुल्ले के बीच में ये रबड़ी बीच में नहीं भरेगी, तो थोड़ी पतली रखना चाहिए कि से रसगुल्ले के बीच में भर जाए, तो हमारे रसगुल्ले रसमलाई बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए हम ठंडा होने के बाद दिखा रहे हैं। ये देखिए एक एक रसगुल्ले बिल्कुल निचोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल रसभरी जैसा ये भरा हुआ है, और बीच में फिर ऐड कर दोगे ये फिर फूल जाएगा, ये स्पंज है पूरा। ये देखिए तो इस तरह अंगूरी रसमलाई हमारी बनती है। अब इस तरह स्पंजी रसगुल्ली को हम इस तरह प्लेट में निचोड़ निचोड़ के डाल देते हैं। ये देखिए अच्छी तरह इस तरह पानी निचोड़ देते हैं। ये पानी हल्का सा मीठा हो जाता है क्योंकि हम बिल्कुल पकाई वाली चाशनी में से निकाल कर पानी में डाला है, तो इस तरह ये हल्का मीठा होता है। उसके बाद में ये देखिए ऊपर से हम रबड़ी ठंडी हो गई है, इस तरह डाल देते हैं। रबड़ी जब गाढ़ी ज़्यादा होती है तो अब्जॉर्ब नहीं करती है, पतली होती है तो इसके बीच में भर जाती है। तो ये देखिए इस तरह हमारे रंगूरी रसमलाई बनके तैयार हैं। आप भी इस तरह अपने घर में आसानी से बना सकते हो। सिर्फ हमने 1 लीटर दूध से बना के तैयार करी है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी रसमलाई हमारा बनके तैयार है। इस तरह आप अपने घर के रसोई में 1 लीटर दूध का बना सकते हो। और इसी तरह हम बड़ी क्वांटिटी में भी बनाते हैं, लेकिन जो हमने एंड में ठंडा पानी में उठा के डाला है, इसको ठंडा पानी में नहीं डाला जाता है, बड़ी क्वांटिटी में गर्म पानी में उबाल के फिर डाला जाता है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी होती ज़्यादा देर चलाना पड़ता है तो ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह आप भी बना सकते हो। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएँ।